संपत्ति जब्त, आने जाने पर रोक, बैंक अकाउंट्स फ्रीज, हथियार खरीदने पर रोक। मसूद अजहर पर ये प्रतिबंध उसके आतंकी पर कतरने में सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। सोचिए, अगर ये प्रतिबंध पहले ही लग जाते तो मसूद अजहर के गुर्गे शायद उरी और पुलवामा जैसे हमले को अंजाम नहीं दे पाते। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए भारत को एक लंबी कूटनीतिक जंग लड़नी पड़ी। इस लड़ाई में हमेशा चीन ही उसका रोड़ा बना, लेकिन इस बार चीन को भी झुकना पड़ा। तो आखिर 10 साल बाद मसूद अजहर पर भारत को जीत कैसे मिली, इसकी इनसाइड स्टोरी सुनिए। पुलवामा हमले के बाद मसूद अजहर पर प्रतिबंध का दबाव बढ़ गया। मोदी सरकार ने कई देशों को मसूद अजहर के खिलाफ सबूत सौंपे। ये भरोसा दिलाया कि आतंक के खिलाफ निर्णायक एक्शन का वक्त आ गया है। कूटनीतिक रास्ते से भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को भरोसे मिली और चीन पर दबाव बढ़ा। चीन को भी ये समझ आ गया कि पाकिस्तान का साथ देना उसे भारी पड़ सकता है। चीन ने दो मुख्य कारणों से मसूद अजहर पर अपना रुख बदला। एक तो भारत की कूटनीतिक जोर कामयाब हुई, दूसरी तरफ अमेरिका ने ये शर्त रख दिया था कि अगर चीन अपना होल्ड नहीं उठाता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में खुलकर डिबेट करना होगा। ये चीन को मंजूर नहीं। मसूद अजहर पर बैन के बाद भी पाकिस्तान अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। उसका दावा है कि पुलवामा हमले का जिक्र हटने के बाद ही मसूद अजहर पर बैन संभव हुआ। सूत्रों की माने तो मसूद अजहर को किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना ही भारत का पहला मकसद था, जिसमें सफलता मिली। बैन का आधार सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि मसूद की आतंकी करतूतों पर दिए गए सबूत के आधार पर लगा है। यानी मसूद पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान बड़ी चालाकी से भारत की कूटनीतिक जीत को पुलवामा का जिक्र कर दबाने की कोशिश कर रहा है। किसी को कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। पूरी दुनिया में जिस तरह से आतंकवाद को और खास तौर से जो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, जिस तरह से उसको आइसोलेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति ने, जिस तरह से उसको अलग थलग किया है, वो उसका एक बहुत ही मजबूत नमूना है कि मसूद अजहर को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। और निश्चित तौर से आतंकवाद और आतंकवाद के जो आका हैं, आतंकवाद को जो लोग बढ़ावा देते हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि मोदी के रहते, मोदी के नेतृत्व के रहते, किसी भी तरह की इस तरह की शैतानी गैर इंसानी चीज़ें नहीं चलेंगी। और इसीलिए जो है वो, अगर आप देखें आज जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको लेकर खुशी हुई, जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख के इलाके में भी लोगों ने बहुत सुकून महसूस किया। और निश्चित तौर से लोगों को लगता है कि आतंकवाद जो है न केवल इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, बल्कि इस्लाम का भी दुश्मन है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। चीन भी झुका। मसूद अजहर एक हत्यारा है, आतंकवादी है, लोगों को मारने वाला है। और आज भारत की विदेश नीति और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की बहुत बड़ी सफलता है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया, क्या फ्रांस, क्या अमेरिका, क्या रशिया, इन सबों ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, वो घोषित होना चाहिए। चीन भी झुका। ये भारत की विदेश नीति की विजय है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो छवि बनी उसकी विजय है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत ही मील का पत्थर होगा। ये मेरा ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।